मेरे जेब में था ऐसा, तो मोदी कैसे ले गया मेरा पैसा? सर कैसे ले गया मोदी मेरा पैसा? भैया हुआ क्या ये तो बता। अरे सर मैंने YouTube वीडियो देखी थी, उसमें कहा था एक किन्नर का दिया हुआ सिक्का, एक पीपल का पत्ता, एक अपने गुरुजी की फोटो और एक चांदी की गोली और एक गोमती चक्र। कहा था ये रखोगे तो तुम्हारा पैसा कोई नहीं लेगा। अब ये मोदी तो मेरे 1,000 5,500 के नोट ले जा रहा, मैं क्या करूं? ये पहले ये बता कि ये तुझे कहा किसने था पीपल का पत्ता रखने को? सर ये YouTube वीडियो पढ़ा था मैंने कि पैसा आगे इसको रखोगे जेब में ऐसा तो कभी नहीं जाएगा पैसा। मोदी तो सबका पैसा ले गया भाई, सिर्फ तेरा थोड़ा ले गया। लेकिन क्या क्या चीज थी? एक पीपल का पत्ता, एक पीपल का पत्ता था सर, एक गुरुजी की फोटो, गुरुजी की फोटो, एक किन्नर से लिया हुआ सिक्का। सिक्का सर 1,000 रुपए का सिक्का है, मैंने 1,000 रुपए दिए तो किन्नर ने 1 रुपए दिया, एक रुपए का मेरे भाई। तो मैंने किन्नर को 1,000 दिया था, उससे कहा था कम से कम वाला अमाउंट लेना, उसके पास एक ही का सिक्का था, मेरी जेब में सबसे बड़ा नोट 1,000 का था। यार कमाल की बात है, किन्नरों के पास आजकल रुपए होते कहाँ, उनके पास तो 1,000 से नीचे का मैंने देखा ही नहीं। नहीं सर उसको मैंने कहा सबसे पास जो है, तो उन्हें अपनी चुन्नी से बाहर खोल के एक सिक्का दे दिया। एक गोमती चक्र, एक चांदी की गोली। हाँ जी ये तूने YouTube वीडियो से। हाँ जी बिल्कुल। तेरे को पता नहीं वो YouTube वीडियो तेरे को गोली दे रही है? पता तो था, फिर मैंने कहा फिर भी ट्राई करके देखता हूँ, क्या पता पैसा टिक जाए। अभी 1,500 क्यों नहीं चलेंगे भैया? क्योंकि मोदी जी लेंगे मेरे पैसे, तो इसका मतलब इसका कोई फायदा नहीं हुआ तेरे को? मेरे को तो फायदा नहीं हुआ सर। अब ये पैसे कैसे बचेंगे, ये कैसे पता चलेगा कि अगर ये पैसा तेरा वाइट का पैसा है तो तेरा बच जाएगा, और तेरा ब्लैक का पैसा है वो समझ ले मोदी जी लेंगे। समझ गया? ना तो तेरे को पीपल का पत्ता बचाएगा ना कुछ। ठीक है, ये सारे जो बातें हैं ये बेकार अंधविश्वास की बातें हैं। कौन सा पैसा बचता है जिंदगी के अंदर, ये समझने की बात है। जो पैसा हमने अपने परिश्रम से कमाया है, लूटपाट का पैसा कभी नहीं बचेगा, ब्लैक का पैसा कभी नहीं बचेगा, अल्टीमेटली वो नुकसान ही होता है। आप ये देख लेना कि हमारे देश को जितने भी लोग बाहर से लूटने आए, कहाँ से है, अफगानिस्तान, सीरिया, इस जगह से इतने हैं, वो आज भी वैसे के वैसे लड़ मर रहे हैं। उन्होंने किसको लूटा? गुजरातियों को। गुजराती आज भी फ्लरिश किए हुए। सोमनाथ का मंदिर लूटा, सोमनाथ का मंदिर मंदिर वहीं का वहीं है, वो लुटेरे आज भी एक दूसरे को मार रहे हैं, वो IAS IAS वगैरह। ठीक है, तो बात मतलब की ये है कि अगर तुमने पैसा कमाया है, तुमने इनकम टैक्स दिया है, तो वो है 2, 6, 10, 11 ज्योतिष के हिसाब से, 10, 11, 6, 11, 6, 10, 6 या 8, 10। अगर ये आपके पास पैसा है तो ये मोदी जी ने ले जाने वाले हैं, वो इस पैसे के अगेंस्ट नहीं है। जिसने पैसा टैक्स के टैक्स से अपना कमाया जमा किया उसका तो पैसा बचेगा, आप इसमें पीपल का पत्ता हो या ना, पैसा कमाया जाएगा आपके परिश्रम से। पर्स से थोड़ा कमाया जाता है, कि पर्स से कमाया जाता है, परिश्रम से सर। तो परिश्रम से कमाया तो पैसा, तो पैसा जो है आपके खर्च जितना करोगे, जितना आपने कमाया बैलेंस आपकी जेब में रहेगा रहेगा, वो पीपल के पत्ते से रुकना छुकने वाली थोड़ा बात है। और जो आपने गलत तरीके से बचाया, या जो आपको अनर्न मनी है, भाई पैसा जो है आपने कमाए बिना जो आपको मिलता है वो है 8-11। ठीक है, और 8-11 के साथ अगर 12 लग गया तो इसका अर्थ ये हो गया कि जो पैसा आपने गलत तरीके से कमाया वो आपके पास बचने वाला नहीं। और अब ये जो भी 1,000 और 500 के नोट हैं, जो काले वाले हैं, ये चाहे आप गोमती चक्र रखो, चाहे आप चांदी गोली रखो, चाहे आप पीपल का पत्ता रखो, उस पर श्री रखो, चाहे आप गुरुजी की फोटो रखो, चाहे कुछ भी रखो, ये पैसा आपका चला जाएगा। बात समझ में आई? आगे से ये अंधविश्वास बंद। हाँ बिल्कुल, अभी फेंक देता हूँ सर, छोड़ देते। पर्स में था ऐसा, अब मोदी ले गया पैसा। नमस्कार दोस्तों।